स्टूडेंट्स हेलो। टुडे वी विल डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यू कैन नीति निर्देशक सिद्धांत हमें इन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो आपके बीएड का एक टॉपिक है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है एजुकेशन के बारे में। तो ये भी यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है। अब इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ये पार्ट 4 के तहत हैं और 36 से 51 के जो आर्टिकल हैं वो सारे इसमें डील करते हैं। अब इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45। अब पहले तो मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ क्या होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट्स। तो आप इनको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। सरकार को ये क्या एक सलाह दी जाती है कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आपको ये काम करना चाहिए। सरकार की ये ड्यूटी होती है, एक राजा की ये ड्यूटी होती है, उसके सरकार की ये ड्यूटी होगी। अब वो करे या ना करे वो उनकी मर्जी होती है, उसको आप जाके कोर्ट में नहीं घसीट सकते। अब हमने अभी पीछे जो एक डिस्कस किया था, एक टॉपिक राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें जब 2009 में जब वो लागू कर दिया जाए, उसके बाद जो एजुकेशन है वो एक कंपलसरी एक्ट बन चुका है और अब एक पक्का एक कानूनी है कि हर बच्चे को यह अधिकार है कि अगर उसको एजुकेशन ना मिले तो वो कोर्ट में जा सकता है। अब हम इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक ऐसे आर्टिकल करेंगे जिसमें ये सलाह दी गई थी, परंतु लागू करना ना करना वो सरकार की मर्जी होती थी। जैसे इसमें बोला गया है आर्टिकल 45 में, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्ट, द स्टेट शैल एंड्यूर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14। तो अब ये एक सलाह है कि 14 साल तक, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, या 14 साल की एज जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करे, एक सलाह दी गई है। अब ये कोई कानूनी रूप से लागू नहीं है, पर 2009 में जब वो कानून एक बन गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बन गई कि वो क्या है, पूरी तरह से उसको लागू करे। अब डीपी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट, आई टोल्ड यू अर्लियर, डीपी टेकन फॉर फ्रॉम आयरलैंड। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं ये आयरलैंड से एक कंट्री है उससे लिए गए हैं। और आर्टिकल 12 डिफाइन द वर्ल्ड स्टेट, जो ये वर्ल्ड स्टेट हमने इसमें बोला है, स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट का मीनिंग क्या है कि जितनी भी स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी उनके अंडर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो सभी स्टेट को मेंशन करते हैं कि दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी, अंडर द वर्ड स्टेट। तो स्टेट में वो सभी आ जाते हैं और उनकी सभी की ये ड्यूटी है कि वो क्या है, परमानेंट एजुकेशन, एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को प्रोवाइड करें।